हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, और जो ये अपडेट है वो आपको मेल के रूप में मिला होगा। कुछ इस तरीके का मेल आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया होगा जिससे आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट है इसके बारे में अगर आप अच्छे से जान लेंगे तो आपको आपकी वीडियो को वायरल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो अपडेट है वो YT स्टूडियो के अंदर है, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और मैंने वो मेल खोल रखा है। आपको भी इस तरीके का मेल आया होगा जिसमें लिखा है, न्यू वी जस्ट इम्प्रूव द स्टूडियो मोबाइल ऐप, द स्टूडियो मोबाइल ऐप जस्ट गोट बेटर। ठीक है, इस तरीके का मेल आपके सामने आया होगा और यहाँ पे तीन तरीके से आपको बताया गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी जो वीडियो है उसको वायरल करवा सकते हैं, अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज़ इंक्रीज करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। द यूट्यूब स्टूडियो ऐप हैज़ सेवरल न्यू फीचर डिजाइन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ योर चैनल इज़ परफॉर्मिंग एंड मेक इट ईजी फॉर यू टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। मतलब ये कह रहे हैं कि यूट्यूब स्टूडियो ऐप के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं ताकि आप अपने चैनल की परफॉर्मेंस को और अच्छे से समझ सकें और आपके लिए ये ईजी हो सके कि आप अपनी ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकें, ईजिली तरीके से, आसानी से कनेक्ट हो सकें। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंड हाउ योर चैनल एंड कंटेंट आर डूइंग। वी रीडिज़ाइन द डैशबोर्ड टू समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस डाटा फॉर योर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो YT स्टूडियो का डैशबोर्ड था वो बहुत अलग था और अब आपका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही अलग है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। मतलब आप यहाँ पे एक ही जगह पे, ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर सीधा लेटेस्ट है जो YT स्टूडियो में, यहाँ पे नीचे जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको आपके सब्सक्राइबर दिख जाते हैं, व्यूज़ दिख जाते हैं, वॉच टाइम, आपके जो अर्निंग है, लेटेस्ट वीडियो, इसका कम्प्लीटली आपका डैशबोर्ड चेंज हो गया और आप अब आसानी से, ईजली, बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि मेरे चैनल की परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह की वीडियोज़ मेरे चैनल पे वर्क कर रही हैं, वो भी आप यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अपने चैनल की परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करें आप जाके, तभी आपको अच्छा पता लगेगा कि आपकी वीडियोस कैसी चल रही हैं। अपनी वीडियोस जो भी आप नई डालते हैं उसके ऊपर आप जाके उसकी परफॉर्मेंस चेक करें, उसके एनालिटिक्स के अंदर जाके। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पे है, कल्टीवेट ए डीप रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस। मतलब अपनी ऑडियंस के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप, गहरी रिलेशनशिप बनाना। शॉर्ट एंड फिल्टर कमेंट्स टू फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन। मतलब आप अपनी जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है उनको आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सून यू विल बी एड टू यूज स्मॉल स्मार्ट रिप्लाइज एंड ऑटोमेटिक कमेंट ट्रांसलेशन टू ईजली रिस्पॉन्ड। और आप अपनी जो भी आपकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टे कनेक्टेड वाला जो इमेज है यहाँ पे नीचे, एक एग्जांपल दिया गया है कि जो भी आपकी वीडियोस के ऊपर कमेंट आते हैं आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको रिप्लाई करें, जिससे आपका ऑडियंस के बीच बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बने आपका। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पे आता है, ग्रो योर बिजनेस ऑन यूट्यूब। क्रिएटर्स कैन नाउ अप्लाई फॉर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टू स्टार्ट अर्निंग। दिस ईयर वी आर एडिंग मोर मोनेटाइजेशन फीचर्स टू द ऐप इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मैनेज योर चैनल मेंबरशिप एंड पेड डिजिटल गुड्स। इसमें बताया गया है कि अब आप ऐप से ही अपने मोनेटाइजेशन का जब क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो ऐप से ही आप अपने अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। और इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं चैनल मेंबरशिप के लिए और पेड डिजिटल गुड्स के लिए। ठीक है, वो सब आप मैनेज कर पाएंगे अपने YT स्टूडियो से ही। यहाँ पे थर्ड जो स्टार्ट अर्निंग लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे अब ये वाला पेज कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी दिया, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, या मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा ऊपर, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो ये वो तीनों तरीके हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप इजिली अपनी वीडियो को वायरल करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।